हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक सुमो हरियाणा। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये वाला एक क्लास डी एम्पलीफायर है, टीपीए 3110। तो दोस्तों, छोटा बोर्ड है और आप इसका यूज़ किसी भी एम्पलीफायर के अंदर कर सकते हो। जैसे आपने कोई कार का एम्पलीफायर बनाना है, उसके लिए इसका परफेक्ट रहता है, या आपको ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के अंदर यूज़ करना है, तो बहुत ही अच्छा ये बोर्ड है। और दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो भी आपको जेन्युइन मिलेगा। और अगर आप पहले से एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करते हो जिसमें 44-40 वगैरह है, तो उससे तो बहुत अच्छा है दोस्तों, उसी की कीमत का आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये मान लो स्टीरियो एम्पलीफायर है, डबल चैनल है, और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये यहाँ पर कॉइल लगी हुई है इसके अंदर। तो आउटपुट के अंदर दोस्तों, ये जहाँ पे ये इंडक्टर कॉइल लगी होती है, उसका जो साउंड क्वालिटी का परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें आप अलग अलग मान लो दो इसमें स्पीकर अपने लगा सकते हो, और आपका एक अच्छा एम्पलीफायर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंडक्टर कॉइल आउटपुट के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, देख सकते हो 220 UA 35 वोल्ट पे। और यहाँ पे दोस्तों, जो आईसी है हमारी टीपीए 3110 का यूज़ हुआ है, उसके ऊपर ये वाला हीट सिंक लगा है। तो यहाँ पे भी आप एक इंडिकेटर देख रहे हो, जैसे आप इसको 12 वोल्ट पावर दोगे तो इसके अंदर इंडिकेटर ग्लो हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों, आपका ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आपका VCC है जो प्लस वोल्ट का है, ये नेगेटिव का है। और यहाँ पे आप लेफ्ट राइट जो है आपके सिग्नल दे सकते हो यहाँ पे। तो जब भी मैं आपको गाइड करूँगा दोस्तों, जब भी इस बोर्ड का आप यूज़ करें, तो इसके साथ बेस ट्रैवल का जो बोर्ड आता है वो आप ज़रूर यूज़ करें, जो आप के लिए सूटेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ करना। तो एक मिनी एम्पलीफायर इससे बन के रेडी हो जाएगा, और इससे आप 30 वाट का स्पीकर आसानी से बजा सकते हो पर चैनल के हिसाब से। अभी दोस्तों, इसका हम टेस्टिंग करेंगे कि किस प्रकार का इसका साउंड है, हम कनेक्शन करके और इसको चला के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है और ये एम्पलीफायर कितना मान लो काम करता है। तो यहाँ पे मैं SMPS सप्लाई से 12 वोल्ट इसको दूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो इस टाइप की एक कैबिनेट मैंने बनाई थी काफ़ी दिन पहले, और ये ऐसे ही रखी थी। तो मैंने इसके अंदर ये वॉल्यूम के लिए और ये ट्रेवल और बेस के लिए लगा दिया है, और यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड था मैंने यहाँ लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों इसको है ना, क्या है कि टेस्टिंग कराएंगे तो पूरा बेस ट्रेवल बोर्ड के साथ कराएंगे, ताकि आप इसको बना के। तो दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर हम बना रहे हैं ये 44-40 से भी बहुत ही ज़्यादा हैवी होने वाला है, ठीक है। और आप इस टाइप का बेस ट्रेवल जो 012 से चलता है उसका यूज कर सकते हो, तो DC AC दोनों पे आप कर सकते हो इसमें। तो गाड़ी वगैरह के लिए बिल्कुल इनफ है, बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको लोहे की चेसी में भी बना सकते हो, तो मैंने वैसे ही खाली पड़ा था, तो मैं स्ट्रेस में फिट करके थोड़ा अच्छे से ही आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर देखिए, यहाँ पे ये तीन वायर जो हमारी इनपुट पे जाएगी एम्पलीफायर के, वो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले एक बार मैं मॉड्यूल लगा लेता हूँ, फिर है ना एक आपको सारे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मॉड्यूल भी लगा लिया है। और फ्रेंड्स, आपको इसका जो कनेक्शन है आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करना बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे इसकी आप ये तीन वायर देख सकते हो जो हमारे मॉड्यूल में से आई है। तो दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट इस स्विच में नहीं देंगे, जो हमारा ये है बोर्ड है, इसका जो इनपुट है BT का, तो इसके ऊपर लगाएंगे इसको। तो इसका जो लेफ्ट राइट है ये वाला है, बीच वाला जो है वो इसका ग्राउंड का है दोस्तों। तो अभी इस कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट या राइट मान लीजिए आप, बीच वाला जो है हमारा ग्राउंड हो जाएगा, और
ये यहाँ पे सिग्नल का हो जाएगा राइट में, ये लेफ्ट में होगा, बीच वाला ग्राउंड में हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सप्लाई है उसके ऊपर मैंने ये एक 7805 सप्लाई के लिए लगा दिया है। तो ये इसका पॉजिटिव सेक्शन हो गया 12 वोल्ट का, बीच वाला ग्राउंड हो गया, और ये जो पिन है दोस्तों ये 5 वोल्ट की आउटपुट हो गई। तो नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ इस जगह पे। तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप मार्केट में 44-40 या कुछ भी लेके आते हो या आपने ऑलरेडी ले रखा है तो आप इसके अंदर ये वाला बोर्ड लगा सकते हो। तो डबल चैनल का है, बहुत ही अच्छा इसका साउंड परफॉर्मेंस जो है रहने वाला है। और बाकी आप क्लास डी के और भी बहुत से एम्पलीफायर आए हैं तो अपने बजट के हिसाब से देख लेना आपको जो भी है, बाकी ये उसी रेंज में मान लो आ जाता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, एक वायर रह गई है, ये है हमारी FM एंटीना की। तो उसके बाद दोस्तों जो इसकी आउटपुट रहेगी BT बोर्ड की वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे टोन पे दे दी है, जहाँ पे इस मॉड्यूल की आनी थी वहाँ पे। अभी एम्पलीफायर का जो सिग्नल है वो यहाँ से हम देंगे। तो दोस्तों इसका जो लेफ्ट और राइट है वो है येलो और वॉयलेट। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये ग्राउंड का है वो है ग्रीन वाला। तो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ, तो वॉयलेट वायर यहाँ लगा लिया मैंने। अभी जो हमारा येलो है वो बीच वाला इस साइड पे लग जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ग्राउंड है दोस्तों ये लास्ट वाले पिन पे हमारा लग जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना ये कनेक्शन हमारा जो है हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान रहता है दोस्तों, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, जब आप कुछ करोगे थोड़ा रिस्क लोगे तभी होगा। तो यहाँ से दोस्तों दो दो स्पीकर की वायर उठा के हम यहाँ जो हमने सॉकेट लगा रखी है ये वाली, इसके ऊपर यहाँ से लगा देते हैं वायर। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो दो वायर लगा दी है, ये देखिए ऊपर नीचे करके। यहाँ पे दो पिन है एक्चुअली, एक रेड और एक ब्लैक, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ वायर लगा दी है स्पीकर के। और ये वाले हमारे बैटरी के हो गए। तो बैटरी वाले तार दोस्तों यहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो स्पीकर यहाँ पे लगा दिए हैं और ये हमारा यहाँ से सॉन्ग प्ले करते हैं हम। तो ये चलने लगे फ्रेंड्स यहाँ पे। अभी इसका जो बेस है वो ऑन करते हैं, पहले ट्रैवल करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम ये जो बड़ा स्पीकर है ये वाला चला के देखेंगे हम इसके अंदर कि ये इसका साउंड कैसा है। तो बड़ा स्पीकर कनेक्ट हो गया है।